नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में टाटा स्टील को डिस्कस करेंगे। इसके मार्च के बिजनेस अपडेट आते हुए दिखे हैं, इसको समझे, आगे के ट्रेंड को समझे। इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन करें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। यहाँ देखेंगे टाटा स्टील कंसोलिडेट मार्च 2024 का जो नेट सेल्स रहा वो 58,687 करोड़ रहा, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 7% डाउन है। नेट सेल्स लगभग 7% डाउन रहे। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट जो रहा वो लगभग देखेंगे तो 64% डाउन रहा। इबिटा 8% डाउन रहे। ईपीएस भी जो है वो भी डाउन रहा और इस समय स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसके मार्च के बिजनेस के अपडेट कितने डाउन रहे, ये एक्सपेक्टेशन है कि ये डाउन ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था और जो एक्सपेक्टेड डाउन ट्रेंड रहे उसके ऊपर का नंबर्स जो है वो ट्रेंड होते हुए दिखा है। यहाँ देखेंगे वो ट्रेंड होते हुए दिखा है। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़े बढ़े लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़े वीक रहे। तो ये नंबर्स इतने वीक नहीं रहे जितने कि अनएक्सपेक्टेड होने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो स्टॉक में एक बड़े डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल जाने चाहिए थे। डिलीवरी बेटर दिख रही है, टेक्निकल ट्रेंड स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि मेटल इंडेक्स अभी भी अपने हाई से लगभग 3% डाउन है। अपने हाई से क्या है, 3% डाउन है। उसके बाद भी टाटा स्टील इस समय, अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पर ही दिखाऊं तो वीकली टाइम फ्रेम पे टाटा स्टील ने ऑल टाइम हाई के लेवल को ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ देखेंगे ऑल टाइम हाई के लेवल को ब्रेकआउट कर दिया है। तो मैं चाहूंगा ऐसे में ये वाला जो लेवल है 168 के नीचे ही स्टॉक वीक होगी। जब तक ये लेवल ब्रेकडाउन नहीं हो, ट्रेंड स्ट्रांग है, ये कंसोलिडेट पॉजिटिव जोन है और अपर साइड 200, 240 और 300 तक के पोटेंशियल टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है, अपडेट बिजनेस के काफी बेहतर रहे और ये ट्रेंड कंटिन्यू अपर साइड करते दिख सकता है।